ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, परम पवित्र हूँ। इन सभी आत्मा के मूल गुणों को स्वीकार कर लें। मेरी सुख स्वरूप स्थिति के आगे परिस्थितियां सहज ही नष्ट हो जाएंगी। ये भगवान वाच है। जितना हम सुख स्वरूप में रहेंगे परिस्थितियां दूर होती जाएंगी, और यदि हम दुख स्वरूप रहेंगे तो परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी। तो अपने सभी दुख बाबा को अर्पित करें। क्यों हम दुखी हैं इसका जरा विश्लेषण करें, और ज्ञान की बहुत सारी बातों को यूज करके अपने दुखों को समाप्त करें। है शरीरी होने के अभ्यास के द्वारा अपने आंतरिक सुखों को बढ़ाते चलें। बार बार याद करें, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। सवेरे उठते विशेष रूप से वो आत्माएं जिनको दुख बहुत रहता है 7 बार याद करें, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांति तो मेरा स्वधर्म है। जब मैं हूँ ही सुख स्वरूप तो मुझे कोई बात दुखी कैसे कर सकती है, कोई भी परिस्थिति मुझे दुखी नहीं कर सकती। चैलेंज कर दें और अपने को इतना दृढ़ करें कि दुखों की बातें तो कलयुग में आती ही हैं। कलयुग में क्या संपूर्ण सुख होगा? जो घोर अंधकार का समय है, जहाँ चारों राक्षस ही राक्षस बसते हों, जहाँ मानव अपनी मानवता को भूलता जा रहा हो, जहाँ दानवता सिर उठा रही हो, वहाँ क्या सुख होगा? वहाँ दुख ही है। लेकिन हमें अपने संकल्पों के द्वारा बाबा की मदद से, ऐसे दीदीपन के अभ्यास से स्वयं को दुखों से मुक्त रखना है। ये तो सत्य है कि यदि हमें दुख प्राप्त हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। चाहे हमारा सोच, चाहे हमारे मन की दूषित भावनाएं, चाहे हमारी दूसरों के प्रति निगेटिव दृष्टि या बहुत एक्सपेक्टेशंस और पूर्व जन्मों के बहुत सारे पाप कर्म, मनोविकार मनुष्य को दुखी कर रहे हैं। क्योंकि जिस परिवार में सुख शांति नहीं है उन्हें समय लेना चाहिए, वे किसी न किसी विकार के वश अवश्य हैं। ये तो सब सत्य है, लेकिन वर्तमान में हम ये सोचकर परेशान न हों कि हमने क्या किया जो दुख हमारे पास बहुत आ गया है। हमने जो कुछ भी किया वो तो कर लिया, अब सोचना ये है मुझे अब क्या करना है। वही नहीं करना जो आज तक करते आए हैं, वो करना है जो अब हमारा परम कर्तव्य है। हम दूसरों को सुख देंगे, हम दूसरों की पीड़ाएं हरेंगे, हम व्यर्थ चिंतन से परेशान नहीं रहेंगे, हम बाबा की याद से स्वयं में सुख भरेंगे, मुरलियां सुनकर स्वयं को सुखी करेंगे, अपनी साधनाओं के द्वारा अपने दुखों को समाप्त करेंगे। क्योंकि हमें केवल अपने ही दुख समाप्त नहीं करने हैं, आने वाले समय में सबको भी दुखों से मुक्त होने में सहयोग करना है। बाबा कह आए हैं, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान हैं, आगे चलकर तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। तो क्या हम उन पहाड़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या हमने स्वयं में इतना सुखों का खजाना भरा है कि हम सबको बांट सकें, सबके दुख हर सकें? तो आज सारा दिन सुख स्वरूप में रहेंगे और संकल्प करेंगे मुझे तो सबको सुख देना है। मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, सुख स्वरूप हूँ, सुखों के सागर की, सुखों के दाता की संतान हूँ।
इस चिंतन में रहेंगे और अभ्यास करेंगे, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, सभी के दुखों को समाप्त कर रही हैं। तो हम भी मास्टर दुख हरता सुख करता हैं इस फीलिंग को बढ़ाते हुए आज ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।